This video is brought to you by Yakult. चीन की एक उर्वरक कंपनी से आयात होने वाले 20,000 टन माल को श्रीलंका की सरकार ने बीच रास्ते से ही लौटा दिया। याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। इससे आग बबूला, चीनी सरकार ने श्रीलंका सरकार को सिंगापुर के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ अदालत में घसीट लिया है। श्रीलंका के अधिकारियों ने खराब गुणवत्ता का हवाला देकर चीनी उर्वरक को श्रीलंका में उतरने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। चीन के शानदोंग स्थित कंपनी सिविन बायोटेक ने 20,000 टन फर्टिलाइजर एक जहाज पर लोड कर निर्यात के लिए श्रीलंका रवाना किया था, लेकिन जब ये माल रास्ते में ही था तब श्रीलंका की आयातक कंपनी और चीन की निर्यातक कंपनी के बीच इस पर विवाद हो गया। श्रीलंका के अधिकारियों ने खराब गुणवत्ता का हवाला देकर चीनी उर्वरक को श्रीलंका में उतरने की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक श्रीलंका की कंपनी ने ये माल लेने से इनकार कर दिया और कंपनी ने इससे नाराज होकर श्रीलंका सरकार के खिलाफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ अदालत में केस दर्ज किया है। ये अपनी तरह का अनोखा मामला है। श्रीलंका और चीन सरकार के बीच रिश्ते काफी अच्छे रहे हैं। यह जहाज अब सिंगापुर भेजा जा रहा है, जहां विवाद को निपटाने के लिए अदालत की कार्रवाई होगी। कंपनी के एक अधिकारी ने अखबार को बताया कि सिंगापुर के इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में श्रीलंका को आर्बिट्रेशन का नोटिस जारी किया गया है। आर्बिट्रेशन प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। बता दें, श्रीलंका और चीन के बीच इन दोनों जैविक खाद को लेकर कूटनीतिक खिंचतान चल रही है। श्रीलंका ने खराब गुणवत्ता का हवाला देते हुए चीन से आए 20,000 टन जैविक खाद की पहली खेप को लेने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद चीन ने गुस्साते हुए श्रीलंका के एक बैंक को ब्लैकलिस्ट तक कर दिया है। इतना नहीं, अब श्रीलंकाई वैज्ञानिकों का समूह भी चीन से आई इस खाद का विरोध करना शुरू कर चुका है। श्रीलंका को दुनिया के पहले पूरी तरह से जैविक खेती करने वाले देश में बदलने के प्रयास में महिंदा राजपक्षे की सरकार ने रासायनिक खादों के इस्तेमाल को प्रतिबंध लगा दिया था। इसके ठीक बाद श्रीलंकाई सरकार ने चीन की जैविक खाद निर्माता कंपनी किंग दाओ सिविन बायोटेक समूह के साथ लगभग 3700 करोड़ रुपए में 99,000 टन जैविक खाद खरीदने का एक समझौता किया। किंग दाओ सिविन बायोटेक समूह को समुद्री शैवाल आधारित खाद बनाने में एक्सपर्ट माना जाता है, जिसके बाद चीन से हिप्पो स्पिरिट नाम का एक शिप सितंबर में 20,000 टन जैविक खाद लेकर श्रीलंका पहुंचा। श्रीलंकाई सरकार एजेंसी नेशनल प्लांट क्वारंटाइन सर्विस ने शिपमेंट को यह कहते हुए स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि इस खाद के एक नमूने में हानिकारक बैक्टीरिया पाया गया है। ये श्रीलंका में जमीन के अंदर उगने वाली फसलों जैसे आलू और गाजर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।